हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद यार सौरभ। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ और आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, इंडेक्स फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा वी लुकअप फंक्शन होता है वो हमेशा अपने राइट साइड में ही लुकअप करता है, लेफ्ट साइड में लुकअप नहीं करता है। और इंडेक्स फंक्शन का बेनिफिट क्या है कि ये अपने राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में लुकअप करता है। इंडेक्स फंक्शन हमारा वर्क कहाँ पे करता है? इंडेक्स फंक्शन हमारा वर्क करता है हमारे रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे देखिए, ये हमारा कॉलम हो गया। ओके, इसको हम चलिए दे देते हैं कोई एक कलर। ये हमारा कलर हो गया कॉलम का और ये हमारा क्या हो गया रो, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे? ये 30, इसको हम कर देते हैं कोई डिफरेंट कलर, ये हमने कर दिया। तो इस रो और कॉलम का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हुआ हमारा इंडेक्स। ओके, सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंक्शन का क्या काम है और इंडेक्स फंक्शन हमारा वी लुकअप से किस तरीके से अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, इसमें एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, उनके क्वार्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट है। अब यहाँ इंडेक्स फंक्शन हम सीखेंगे। सबसे पहले हम वी लुकअप फंक्शन यूज करके देखते हैं कि वी लुकअप और इंडेक्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए, क्वार्टर वन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फैज का सेल निकालना है। यहाँ पे हम पहले लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है, ये है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, हमारा जो लुकअप में ये हमारा जो थर्ड नंबर पे है क्वार्टर वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड, कॉमा ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे जीरो और वन यूज करना होता, तो हम यहाँ पे जीरो लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, नॉट अवेलेबल। इसका रीजन आपको पता है क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है ये जो हमने नेम लिया हुआ है ये हमारे टेबल में देखिए सेकंड कॉलम में है। और लुकअप की, वी लुकअप की खासियत ये है कि ये हमेशा अपने राइट साइड की वैल्यूज को लुकअप करता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू को लुकअप नहीं करता है। अब देखिए इसको अभी आपको समझ में आएगा, इसके फॉर्मूले में चलते हैं, इसको एडिट करते हैं। देखिए अभी हमारा क्या है, जो हमारा लुकअप वैल्यू वो है बी में। अब यहां जहां ए लिखा है यहां हम कर देते हैं बी। ओके, अब हम इसको जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे तुरंत वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं फैज का यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज और आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो हमने टेबल को पूरे कॉर्नर से लिया था एम्प्लॉई आईडी से, तो हमने जो कॉलम की वैल्यू काउंट की थी, कॉलम का पोजीशन वो था हमारा थर्ड, लेकिन जब हम इसको नेम से लेंगे तो हमारी कॉलम पोजीशन क्या होगी, सेकेंड होगी। इसको हम कर दे सेकेंड और एंटर। तो अब आप देखिए फैज का क्वार्टर वन का सेल वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो इससे आपको ये पता चल गया कि वी लुकअप हमारा सिर्फ राइट साइड की वैल्यू को कंसीडर करता है, लुकअप करता है, लेफ्ट को नहीं करता है। ओके, अब हमारा जो इंडेक्स फंक्शन है वो क्या करता है वो देखते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स फंक्शन लगाने पे सबसे पहले क्या कह रहा है, एरे। एरे में हम क्या करेंगे कि अपनी पूरी टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा। अभी क्या कह रहा है, रो नंबर, और उसके बाद क्या कह रहा है, कॉलम नंबर। तो इंडेक्स फंक्शन में रो नंबर मैंडेटरी है, कॉलम नंबर ऑप्शनल है। ओके, रो नंबर अब हम क्या चाहते हैं कि फैज का क्वार्टर वन का हम देखना चाहते हैं। तो अब हमारा पहले से फैज को देखते हैं कि कौन से वाले रो पे है, 1 2 3 4 5, हमने टोटल पूरी टेबल को यहाँ पे काउंट किया है तो ये 5 नंबर पे है, 5 कर दिया, कॉमा। कॉलम नंबर कौन सा है, क्वार्टर वन की सेल देखनी है, 1 2 3 थर्ड कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखिए कि यहाँ पे फैज का क्वार्टर वन का यहाँ पे कितना है, 30 है, यहाँ पे 30 आ गया। अब देखिए अभी हमने जब वी लुकअप यूज किया था तो जब हम यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू चेक कर रहे थे तो वो हमें शो कर रहा था, लेफ्ट साइड नहीं शो कर रहा था। आप देखिए इंडेक्स का कमाल देखिए आप, यहाँ पे हम लगाएंगे इंडेक्स एरे। एरे हमारा हो गया पूरा, कॉमा।
रो नंबर। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा फैज है इसका हम इम्प्लॉई आईडी जानना चाहते हैं। तो इम्प्लॉई आईडी कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कर देंगे 5 कॉमा। कॉलम नंबर कौन सा हो गया, कॉलम नंबर हो गया 1। अगर हम इसको वीलुकअप में यूज करते हैं तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे एरर आ जाती। चलिए इसको कर देते हैं एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही फैज का हमने यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी जो हमने सर्च किया इंडेक्स फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हमारा इम्प्लॉई आईडी आ गया है। अब इसमें अगर आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहें, जैसे आपने 23 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा ना तो नेम चेंज हुआ ना इम्प्लॉई आईडी चेंज हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे चलिए नेम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ हमने नेम कर दिया गिरीश, लेकिन अब ये हमारी क्या हो रहे हैं कि वीलुकअप में क्या होता था कि अगर हम नेम को चेंज करते थे तो हमारे आगे के जो वैल्यूज हम उससे यहाँ पे लेते थे वो वैल्यूज हमारे हो जाते थे चेंज, लेकिन इंडेक्स फंक्शन में हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चेंज होगा कैसे, ये चेंज होगा इंडेक्स के साथ जब हम मैच फंक्शन को यूज करेंगे, उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि वीलुकअप जब कभी आपके पास कोई सिंगल टेबल हो तो उसके लिए आपके लिए वीलुकअप बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं, 1, 2, 3, 4 टेबल, तब वहां पे आपको इंडेक्स फंक्शन यूज करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन पे, जिससे आप यहाँ पे कोई भी नेम चेंज करें या फिर क्वार्टर की वैल्यू चेंज करें तो बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका एमएस एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन को यूज करने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।